गरम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रितु शर्मा और आप सभी का स्वागत है निर्माणा इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल आपकी क्लासेस हुई थी, ऐसा तो नहीं आपने मुझे काफी मिस किया हो? कुछ नहीं, ठीक है। आज जो हम काफी चैप्टर्स जो है कवर करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, इसीलिए अब अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका एनसीईआरटी जो है अच्छे से और जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से आपकी क्या है, क्यूआईपी सीरीज जो है, दैट मीन्स फॉर प्रिलिम्स आपकी जो है सीरीज शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम फोकस करेंगे यहाँ पे, राइट। फॉर प्रिलिम्स वी विल फोकस फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन फिर हम थ्योरी बुक्स पे दोबारा से वापस आ जाएंगे। और एनसीईआरटी जो है, मैं उससे पहले चाहती हूँ कि कंप्लीट हो जाए आप सभी लोगों की। गुड मॉर्निंग एस्किल, यूपीएससी लवर, प्रकाश, अनुराग, गुड मॉर्निंग विकास, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ठीक है। तो पीएसएम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देखेंगे वितरण और पॉपुलेशन डेंसिटी आपका क्या होती है, और यहाँ पे वृद्धि जो है किस प्रकार की पॉपुलेशन के अंदर हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, वो है आपकी चाइना, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग आपके रहते हैं, वो कहलाती है आपकी क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। वो हाईएस्ट है आपकी किसकी, भारत की, ठीक है। क्योंकि एरिया क्या है भारत का, कम है कंपैरेटिवली, इसी वजह से डेंसिटी, अगर हम एक स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, ज्यादा लोग रहेंगे प्रेफरेबली, करेक्ट। तो इसी वजह से घनत्व किसका ज्यादा है, भारत का। पॉपुलेशन करंटली जो है कट टू कट चल रही है, बट चाइना की जो है आपकी पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट राइट नाउ। तो ओके, चलिए आगे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग वैभव, गुड मॉर्निंग हरिओम, एस के लवर, मेरा नाम है सोनम कुमारी, ओ नाइस, वेलकम टू द क्लास। तो बबलू कुमार एंड एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और चैप्टर सेकंड जो है आपको सबसे पहले पढ़ना है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे पूरे विश्व के अंदर, जनसंख्या की बात करेंगे, तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें जो है हमें देखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी घनत्व, तो दोनों के बारे में, वितरण और उसका घनत्व, दोनों के ही बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब पॉपुलेशन किसी भी एरिया की या किसी भी देश की जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक तो विश्व के लिए जानना जरूरी है ताकि हमारी जो ग्लोबल पॉलिसीज है उन पे हम काम कर सके। दूसरा, हमें क्यों जानना जरूरत है, नेशनली हमें जो भी पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, हमारा सेंसस जो निकलता है, पॉपुलेशन सेंसस क्यों जरूरी होता है, बिकॉज जो भी पॉलिसीज बनानी है, कौन से एरिया पे आपका फोकस करना है, ठीक है, कौन सा ऐसा वीक एरिया है आपके, मान लीजिए फीमेल और मेल का जो रेशियो है उसमें क्या क्या आपके, अगर वो कमजोर है, वीक है, तो उसपे किस प्रकार से काम किया जाए, मेल पॉलिसीज, फीमेल पॉलिसीज, चाइल्ड पॉलिसीज, ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, ये कैसे पता चलेगा गाइस, जब हमारे पास एक डेटा होगा, जब हमारे पास एक पॉपुलेशन डेटा होगा, तभी हम जो है उससे रिलेटेड क्या है, आपके उसी से रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स जो है लेके आ सकते हैं, करेक्ट और नॉट, राइट। चाइना को हरा देंगे मैम, बिल्कुल, चाइना के बिल्कुल, जैसे 1.4 बिलियन ही पॉपुलेशन हमारी है, थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे चल रही है। सो चाइना जबकि पॉपुलेशन पे काफी काम कर रहा है अपना, और डेफिनेटली भारत जो है चाइना को उस फैक्टर के अंदर आपका हरा देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगेन हमारी पॉपुलेशन एरिया जो है काफी कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, राइट, पॉपुलेशन और बढ़ रही है। ओके, अभी तो जितनी भी हमारी ये 12th की एनसीईआरटी है वो एक ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम बातचीत करेंगे। पहला, सेकेंड चैप्टर जो यहाँ पे रहेगा वो है आपका पॉपुलेशन के ऊपर। तो क्यों जानना जरूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो हमें ये भी पता चलेगा कि पूरा लैंड एरिया जो है ना, जितने भी आपके महाद्वीप है वहां पे कौन से महाद्वीप पे कितने लोग रहते हैं, राइट। उसी से फिर अगर कोई मेजर्स हमें ग्लोबल पॉलिसीज बनानी है, तो हम आपका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हमें किसी देश के साथ करना है, देखो इंडिया क्या है, अब एक अच्छी डेस्टिनेशन है ना,
कोई भी देश चाहे तो हम अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि क्या है हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, करेक्ट। तो दैट इज वाई एक पॉपुलेशन को आंकने से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का पता लग सकता है। और भारत जो है हमारे 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से भी आता है। देखो आप चाइना देखोगे, यहाँ पे इंडिया है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, रशिया और आपका मेक्सिको। तो ये सभी देश हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है पॉपुलेशन पाई जाती है, पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, राइट। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये मिलियंस में लिखे हैं, 1400 मिलियन जो है आपकी अराउंड चाइना की पॉपुलेशन है, उसी के आसपास आपकी क्या है इंडिया की भी है। कोई क्लास, कल कोई क्लास नहीं हुई थी। हाँ जी, हमारी हमारी जनसंख्या भी कम नहीं है चाइना से, मैम नहीं, कहीं कहीं सोर्सेज में इंडिया की पॉपुलेशन जो है ज्यादा लिखी गई है, बट मोस्टली अभी करेंटली अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे जनसंख्या जो है अभी कम ही दिखा रहे हैं, राइट। तो राइट नाउ पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ऑल्सो अभी पॉपुलेशन इज करेंटली कम। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट यस चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड करेंटली, उसके बाद आपका इंडिया है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको क्या बताया था, घनत्व कैसे निकालना है कि आप क्या करोगे गाइस, पॉपुलेशन लोगे और एरिया लोगे, उसके बाद आपका घनत्व निकल जाएगा, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है और 100 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है वो एरिया है, ठीक है। अब उसके अंदर मान लीजिए कितने हैं आपके, 1.5 लाख लोग रहते हैं। इस 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1.5 लाख लोग जो हैं आपके रहते हैं, तो इस 1.5 लाख को आप इस एरिया से क्या करोगे डिवाइड करोगे, वहां से क्या निकलेगा जनसंख्या का घनत्व जो है वहां से निकल जाएगा, ठीक है। सो डेंसिटी आपकी आ जाएगी ये टोटल डेंसिटी, ठीक है। दैट मींस आपके प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, 1500 जो है लोग रहते हैं, और इंडिया का अराउंड 32.6 जो है अगर हम प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो, ठीक है। तो डेंसिटी इंडिया की जो है क्या ज्यादा है। अब बात आते हैं गाइस, ये जो आप पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा देखते हैं राइट, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लीजिए भारत में ही आप लैंड एरिया पे रहते हैं या मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं, ठीक है। वो आपके क्या है कुछ नीड्स पे जो है डिटरमाइन करेगा, राइट। पहला जिसमें आता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पहला आप क्या देखोगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या देखोगे कि जल की उपलब्धता, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जो रिवर एरियाज है, मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरियाज है ना, ये पूरे एरिया में जनसंख्या यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पाई जाती है, करेक्ट। तो वहां पे आपकी क्या है सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सो इसी वजह से क्योंकि पानी की उपलब्धि जो है अच्छी है, मैदानी आपके क्या है क्षेत्र है, तो घर बनाने में जो है क्या है दिक्कत नहीं है, करेक्ट। गुड मॉर्निंग ज्योति। चलिए अब आगे बात करें, वाटर आप क्या है पीने के लिए यूज करते हो, धाने के लिए यूज करते हो, अपने कुकिंग के लिए यूज करते हो, अपनी खेती के लिए यूज करते हो, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज आपकी यूज की जाती है। इंडस्ट्रीज पहले के समय पे राइट क्या होता था, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी होती थी ना वहां पे बनती थी, या फिर जहां पे खनिज जो है मिलते थे वहां पे आपकी जो है इंडस्ट्रीज बनती थी। बट अब तो डेवलपमेंट इतनी हो गई है तो ये जो आप फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज आपकी कहाँ पे होगी, बट पहले के समय पे इंडस्ट्रीज घर वहां पे बनते थे मोस्टली जहां पे आपकी क्या है पानी की अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी थी, ठीक है, इजी थी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपकी क्या है वहीं पाई जाएगी। सो दिस इसीलिए यूपी में आपकी पॉपुलेशन क्या है काफी ज्यादा है। अब आगे बात करें लैंडफॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आप क्या प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे कि पहाड़ों में रहना प्रेफर करोगे या मैदानी क्षेत्रों में जो है प्रेफर करना प्रेफर जो है करोगे, बताइए आप लोग जो है कहाँ पे प्रेफर करोगे। तो ये जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, भू आकृतियां होती हैं, वो भी क्या है इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सो दे आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या किस प्रकार से है, कहाँ पे कितनी होगी, राइट। वो भी क्या है डिटरमाइन आपकी करेगी क्या लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सो इसीलिए आप देखोगे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में क्या है कि रिसोर्सेस की कमी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में जो है कमी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छी एजुकेशन जो है आपको इतनी नहीं मिलेगी, बट अगेन आपका क्या है जो मैदानी क्षेत्र है कंपैरेटिवली टू दैट सब आपके रिसोर्सेज अवेलेबल बहुत इजीली है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, करेक्ट।
तो ये आप क्या है प्रेफर करोगे कि भाई कहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ पे मेरे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, इन सभी चीजों का आप ध्यान देखोगे। लैंड एरिया में, बीच के पास, ओके, पहाड़ों में रहना है, ठीक है। ये पहाड़ों में रहना ना दूर से अच्छा लगता है सोचना कि यार, क्योंकि जब भी, क्योंकि हम वहां पे हम जाते हैं थोड़े समय के लिए, वेकेशन के लिए, ठीक है, तब वो अच्छा लगता है। बट जब आप वहां पे रहेंगे तो वहां पे आपको, और अगर आप ऑलरेडी किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो उसके कंपैरिजन में आपके रिसोर्सेस अभी, क्योंकि आप एकदम यंग हो तो यू वांट एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज, सारे रिसोर्सेस आपके पास हो, पैसा हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग यू वांट इट, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एकदम हाई, एयरटेल 5G आपका हो, एकदम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो ये सभी रिसोर्सेज क्या है वहां पे उनकी कमी आती है, बिकॉज हिली एरियाज है, राइट। तो वहां पे इन सभी चीजों का प्रोवाइड करवाना, दैट इज डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होती है वहां पे, हाँ जी। सो चाहे वहां पे क्या हो, इंडस्ट्रीज बनानी हो, चाहे वहां पे इवन फैक्ट आपको खेती करनी हो, सभी, जहां से आप पैसा कहाँ से कमाओगे, बिजनेस करना भी वहां पे क्या है, मुश्किल होगा। अब आगे बात करें, तीसरा फैक्टर आता है क्लाइमेट, जलवायु, जहाँ किस प्रकार का जलवायु होगा। आप सोचोगे कि मॉडरेट क्लाइमेट मेरे को मिले, राइट, तो मैं वहां पे रहना पसंद करूंगा, ठीक है। कि अगर आप देखिए जितना स्नोफॉल होती है हिली एरियाज के अंदर, उस समय पे जितना भी उनका बिजनेस होता है, काम होता है, मोस्टली टूरिज्म से प्रमोट होता है, बट बाकी का ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, राइट, या कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, रोड्स आपकी ब्लॉक हो जाती है, बिजनेसेस आपके क्या है रुक जाते हैं। तो क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्या है आपका, राइट, देखोगे कि जलवायु किस प्रकार का रहेगा। तो जहाँ पे भी स्नोफॉल होती है, आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जाके देखेंगे ना, 30 डिग्री आपके 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, राइट, 40, 45, 60, इन सभी देशों में मोस्टली शटडाउन जो है हो जाता है जब स्नोफॉल होती है। तो इसकी वजह से लोग क्या है ऐसे क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे क्लाइमेट क्या हो, एक मॉडरेट हो, ठीक है। सो अब वो डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आप खेती करना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि मैं उस एरिया में रहना चाहता हूँ जहाँ पे बारिश अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा हो। आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप वो आपके एम पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपको मान लीजिए इंडस्ट्री लगानी है तो अगेन आपके खनिज पास में हो, पानी पास में हो, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो है आसपास हो, इन सभी को आप देखोगे, राइट। अब फिर आता है गाइस इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। अभी हमने क्या देखे थे आपके, जो भूगोलिक और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने देखे थे, अब बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक फैक्टर्स जो है किस प्रकार के रहेंगे, जिसमें पहला आएगा मिनरल्स, ठीक है। अगेन आप इंडस्ट्रीज वहां पे लगाओगे जहाँ पे आपको मिनरल अवेलेबिलिटी क्या है अच्छी हो। अब जितने भी माइनर्स हैं, माइनिंग जो करते हैं लोग, वो क्या है यहीं पे आपके रहेंगे आसपास के, जहाँ पे भी माइनिंग आपकी की जा सके, ठीक है। तो जितने भी आपके वर्कर्स हैं, माइनिंग वाले हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, वो आपका क्या है यहीं पे रहेंगे। जैसे कि आपका ये कटंगा जाम्बिया कॉबर बेल्ट होगी अफ्रीका में, ये आपका काफी लोग जो है इस प्रकार के कामों में जो शामिल है वो यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनको क्या है अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब मिल सके। अब इसमें आता है अर्बनाइजेशन। अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और बढ़ रहा है, डेवलपमेंट और बढ़ रही है, तो लोगों को क्या है अट्रैक्ट कर रही है डेस्टिनेशन, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फैसिलिटीज आपको अच्छी मिलती हो, चाहे वो आपको व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी फैसिलिटीज आपको अच्छी मिलती हो। तो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात हो, लोग क्या प्रेफर करते हैं राइट ना कि रूरल सिटीज से ज्यादा, रूरल आपके विलेजेस से ज्यादा अर्बन सिटीज के अंदर रहना प्रेफर ज्यादा करते हैं। सो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, इंडस्ट्रीज, राइट, कि लोग क्या करते हैं कि जहां पे भी इंडस्ट्रीज हो वहां पे रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां से उनको क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, करेक्ट। तो जहां से जॉब मिलेगी वहीं पे आप लोग क्या है रहना प्रेफर करोगे। सो ये थे आपके जैसे शॉपकीपर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट इंप्लॉयज, डॉक्टर्स, है ना। डॉक्टर प्रेफर करेंगे कि भाई जहां पे उनका मेडिकल फैसिलिटी है वहां पे वो रहना प्रेफर करेंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हो, है ना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की आप कोचिंग लेना चाहते हो, ऑनलाइन नहीं तो आप ऑफलाइन लोगे, ऑफलाइन लोगे तो आप भी क्या है यहीं पे आके दिल्ली में रहोगे, करेक्ट। तो अब आगे बात करें इसी को लेके, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पे आते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का जैसे रिलीजियस और कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस रहता है, पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज अ सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक
है. मेनी आर टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और मूव अवे फ्रॉम ओवरक्राउडेड. सो अगेन आप जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइब्स अपनी जो है ट्राइब्स छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो कुछ ऐसे आपके सोशल और कुछ कल्चरल फीचर्स भी रहते हैं जहाँ पे आप अपने कल्चर को छोड़ के जो है नहीं जाना चाहते हो टू अ न्यूअर एरिया. तो ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं. इसके बाद बात करें गाइस कि जब भी हम जनसंख्या में है ना बदलाव देखेंगे तो किस कारण की वजह से बदलाव होगा. अगर जैसे अभी आपका चाइना की पॉपुलेशन जो है काफी बढ़ रही है, दैट मीन्स चाइना जो है अपने डेथ रेट पे काफी अच्छा काम करता है, दैट मीन्स जान जो है डेथ जो है कम है वहां पे, डेथ रेट जो है कम है. और बर्थ रेट कंट्रोल मेजर्स जो है वो भी आपका क्या है काफी अच्छे मेजर्स उपयोग करता है. सो अब बात आती है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी वो किस हिसाब से जो है देखी जाएगी. वो देखी जाएगी पहला आपके बर्थ कितने जन्म हुए हैं, फिर दूसरा कितनी मृत्यु हुई है आपके एक साल के अंदर, तीसरा आपकी देखी जाएगी गाइस कि यहाँ पे माइग्रेशन यहाँ पे आपका क्या है प्रवासन जो है कितना आपका रहा. क्योंकि देखिए आपके जो लोग हैं भारत छोड़ के मान लीजिए आपके यूरोप जा रहे हैं, यूएस कहीं भी जा रहे हैं, राइट, दैट मीन्स वो भारतीय लोग हैं, भारत की पॉपुलेशन तो कम हो गई ना, क्योंकि वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे आपके माइग्रेट हो गए हैं. तो इससे क्या हुआ पॉपुलेशन जनसंख्या में बदलाव हुआ. ठीक है, ओके. सोनी सिंह कहीं मत जाइए, पूरा लेक्चर जो है अटेंड करके जाइएगा, काफी जो है डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, अब आगे बात करें यहाँ पे, जब हम बात करेंगे आपके बर्थ रेट की, ठीक है, कैसे आप जो है बर्थ रेट को देखोगे, जिसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, कैसे देखोगे गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इक्वल है ये इंटू कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट लिखा है. जब आपको बर्थ रेट देखना है तो आप क्या करोगे 1000 को मल्टीप्लाई करोगे कितने आपके जो है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर चल रहे हैं, ठीक है, और मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उस एरिया की, और पॉपुलेशन जो है कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है और कितने लाइव बर्थ जो है चल रहे हैं, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे. ऐसे ही अगर आपको डेथ रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप डेथ रेट में क्या करोगे, अगेन 1000 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी वहां पे डेथ गई है, राइट, नंबर ऑफ डेथ कितनी रही है एक साल के अंदर, और फिर अगेन पॉपुलेशन जो है कितनी रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी डेथ रेट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000, ठीक है, आपकी क्या है पॉपुलेशन में पर्टिकुलर रीजन क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, डेथ रेट बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है. तो इससे क्या होगा कितना आपका जो है मृत्यु दर है, किस प्रकार का जो है जन्म दर है, इनसे क्या होती है पॉपुलेशन में चेंज होती है. ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से फैक्टर्स की वजह से आपके जनसंख्या में जो है बदलाव होता है, राइट, बताइए. जापान जो कंट्री है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो है काफी ज्यादा बिल्कुल क्या समान बैलेंस जो है उसमें काफी है, ठीक है. जैसे इंडिया में जो है आपका इंडिया की जो पिरामिड है मैंने आपको बताई थी, राइट, कि राइट नाउ हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है स्टेबल हो सके, करेक्ट. तो पहले जो आप देखोगे ना पहले अराउंड 90s में अगर आप जाओगे तो उस समय पे बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी जो था बहुत हाई था, राइट. अब जो है हम धीरे धीरे बर्थ रेट को कम कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, और डेथ रेट हमारा क्या है इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स लोग जो है अब जल्दी उनकी मृत्यु नहीं आपकी हो रही है. मैम सबसे ज्यादा दुर्घटना के कम मृत्यु दर बैड बद रही है. अच्छा नहीं, केवल दुर्घटना के कारण नहीं बढ़ रही, अगर आप देखें किसी भी देश की अच्छी पॉलिसीज नहीं है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, पास में हॉस्पिटल नहीं है, राइट, तो क्या है तो भी आपका मृत्यु दर जो है बढ़ेगा, करेक्ट. सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर न्यूट्रिशन को लेके काम नहीं है, राइट, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, इन सभी के कारण आपका क्या है गाइस मृत्यु दर जो है वो क्या है बढ़ता है. विच फैक्टर्स वी नीड टू कैलकुलेट द स्टेबल बर्थ रेट, वी डोंट नीड फैक्टर्स. अगर आपको एक स्टेबल बर्थ रेट मतलब बर्थ रेट अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे कुछ कंट्रोल मेजर्स लेके आओगे, ठीक है, जो
तो जैसे कि आपकी पॉलिसीज हो गई दो बच्चे ही अच्छे टाइप्स, तो इस प्रकार की पॉलिसीज लोगों को अवेयरनेस जो है आप प्रोवाइड करोगे कि किस प्रकार से राइट कि आपके जो बर्थ रेट है, जो आपके जन्म होते हैं बच्चे के, उसको कंट्रोल किया जाए, उनको जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं उनके बारे में आप अवेयर करवाओगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज और मेजर्स आपके लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कंट्रीज आपकी अच्छी पॉलिसीज इस्तेमाल करेगी, अच्छे मेजर्स पे आपका काम करेगी, अवेयरनेस लोगों को अवेयर जो है करवाएगी, वहीं का आप देखिएगा बर्थ रेट क्या है, कंट्रोल आपका रहेगा। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है तो बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस ही होगा ना, कि आप देखिए जैसे जापान में आप जाएंगे ना, तो उसका पिरामिड इस प्रकार से है, तो ये ठीक है। उसमें क्या है, जब आप देखेंगे पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो ये एज लिया जाता है, जैसे 0 से 5 हो गया, सबसे ज्यादा डेथ रेट जो होती है ना वो शिशु में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है पाई जाती है शिशु में, और अबव आपके 60 में, 50-60 की एज में। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, इस अगर आप डेथ रेट को कम करना चाहते हो, ठीक है, सो आप क्या करोगे कि ऐसे चाइल्ड न्यूट्रिशन पे काम करोगे, मदर न्यूट्रिशन पे काम करोगे, ठीक है, उनको अच्छी पॉलिसीज आपकी लाई जाए, चाइल्ड केयर पे, मदर केयर पे काम करोगे, सो इनको रेगुलेट आपको करने की जरूरत है। अब बैलेंस का मतलब क्या है कि वहां पे जापान के अंदर क्या है, और आपके डेथ रेट भी कम है, कि वहां पे डेथ से रिलेटेड भी आपके काम किए जा रहे हैं, और आपका जो बर्थ रेट है, ठीक है, कि जो बर्थ रेट है उस पे भी रेगुलेटेड मेजर्स आपके लिए जा रहे हैं, तो ना ही एक्सट्रीम आपकी डेथ होती है और ना ही एक्सट्रीम वहां पे आपकी क्या है बर्थ होता है। ओ आई एम सो सॉरी इसकी यूपीएससी लवर, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज ना बर्थ रेट और यंग एज पॉपुलेशन। ऑफकोर्स अगर आपका जो डेथ रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ऑब्वियसली मतलब हमारे देश में क्या है, पॉलिसीज कम है, चाइल्ड केयर नहीं है, मदर न्यूट्रिशन नहीं है, राइट, तो इन सभी पे क्या है, यंग पॉपुलेशन हो गई है, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो राइट नाउ इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हमारे बर्थ रेट को कंट्रोल करने में मदद फोकस जो है ज्यादा कर रहा है, क्योंकि बर्थ रेट कंट्रोल मेजर्स जो है ज्यादा लेके आ रहा है, उसको करने के लिए अगेन पॉलिसीज अवेयरनेस दोनों की जो है आवश्यकता है। डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड 0 से 5 साल जो बच्चे जन्म लेते हैं वहां पे जो माताएं और शिशु हैं उन दोनों के न्यूट्रिशन पे, उनकी केयर फैसिलिटीज पे जो है काम करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं माइग्रेशन प्रवासन। अब प्रवासन किस प्रकार से, मैंने आपको बताया, जब आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हो, तो डेफिनेटली जहां पे आप ऑलरेडी रहते थे उसकी जो जनसंख्या है वहां पे क्या है, चेंज होगी, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत सारे जैसे रूरल टू अर्बन आप कर रहे हो, ठीक है, अर्बन टू अर्बन एरियाज में भी जा रहे हो, अर्बन में ऑलरेडी रहते हो और अच्छे अर्बन एरियाज में आप जाना चाहते हो, और फिर इमिग्रेशन। अप्रवासन क्या होता है गाइस, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेसेस आर कॉल्ड, ठीक है, तो मतलब अगर आप जाते हो यूएसए में रहने के लिए, तो आप क्या हो, एक इमिग्रेंट हो यूएसए के अंदर। माइग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जब आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। इमिग्रेंट्स क्या है, आप खुद, अगर एक नाउन बोल दिया जाए तो आप एक इमिग्रेंट हो। माइग्रेशन क्या है, एक क्रिया है। इमिग्रेशन उत्प्रवासन के बारे में बात करते हैं, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेसेस आर कॉल्ड, ठीक है, जो आपके जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में उन्हें बोलते हैं इमिग्रेंट्स। जैसे आप भारतीय हो, ठीक है, तो आप रह रहे हो यूएसए में, ठीक है, आप जा रहे हो उसे बोलोगे आप इमिग्रेंट, और वहां पे माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेसेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है, वहां पे जाके आप क्या क्या बन जाओगे, इमिग्रेंट बन जाओगे। इस प्रोसेस को जब आप जा रहे हो आप बनोगे इमिग्रेंट। भारत में आपको बेसिकली कहा जाएगा इमिग्रेंट, यूएसए में कहा जाएगा आपको इमिग्रेंट, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बात करते हैं, माइग्रेशन जो है गाइस क्या होता है, प्रवासन। अब ये काफी प्रीलिम्स का अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका आ सकता है कि जो प्रवासन है उसमें आपके यहाँ पे पुश फैक्टर्स क्या है और आपके यहाँ पे पुल फैक्टर्स क्या है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। पुश फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको वहां से बाहर धकेलने के लिए या बाहर जाने के लिए प्रभावित करते हैं, वो कहलाएंगे पुश फैक्टर्स, कि आपको पुश कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मेरे शहर में या मेरे गांव में
जो है बेरोजगारी बहुत अधिक है, ठीक है, आपको लगेगा कि जो कंडीशंस है रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, या आप पॉलिटिकली आपका जो है वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद आपका क्या, आपको लग रहा है कि आपके शहर के अंदर या सिटी विलेज वट एवर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, डिजास्टर जो है काफी आपके आते हैं, उसके बाद कोई आपकी बीमारी जो है वहां पे फैल रखी है, बैकवर्डनेस है, तो आप सोचोगे ये आपके क्या है, आपके दिमाग में जो फैक्टर चल रहे हैं वो है पुश फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो आपको लगेगा अच्छा मैं उस एरिया में जाके रहता हूँ, सो एंड सो, कोई अर्बन सिटी के अंदर जाके या दिल्ली के अंदर जाके रहता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ पे मुझे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, करेक्ट, जहाँ पे मुझे आपकी क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, रहने की अच्छी कंडीशन मिलेगी, करेक्ट, यही सोचते हो ना आप, कि आप सोचते हो कि दिल्ली में जाके पढ़ेंगे, दिल्ली में जाके जो है, अब दिल्ली में जब आप आओगे यहाँ पे इतने बच्चे आपको दिखेंगे, इतनी भारी पॉपुलेशन और इतने जो है लोग आपको दिखेंगे, जहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो खुद ही मिनिमाइज आपकी हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फैसिलिटीज तो लिमिटेड आपकी है, करेक्ट। सो कोई ऐसा है स्टूडेंट जैसे दिल्ली में आके आपकी कोचिंग ले चुका है या लेने की सोच रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस कॉन्स भी हैं, इसके प्रोज भी हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो जब आप कोचिंग लेंगे, क्योंकि ये तो एक माइंडसेट आपका होता है कि आपको कोचिंग वहाँ पे ऑफलाइन लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, ठीक है, बट हाँ सबके इतना आसान नहीं है कि आप एक दूसरी सिटी में जो है शिफ्ट होते हैं, आपको लगता जो है दूर से वो हमेशा रियलिटी नहीं होती है, तो हर चीज की नॉलेज अक्वायर करना जो है बहुत जरूरी है। ओके आगे बात करें, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, इतना ही था, हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, दूसरा हमने पढ़ा कि आपके जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितने फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जैसे आपने देखा क्लाइमेट है ना, आपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे, फिर आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, ऐसे आपने सोशल और कल्चर फैक्टर्स देखे, करेक्ट, और लास्ट में आपने देखा कि जो पॉपुलेशन जनसंख्या में चेंज होता है वो तीन फैक्टर से, मृत्यु दर, जन्म दर और अप्रवासन, इन तीनों की वजह से होता है। अब मुझे आना है दिल्ली में आने के बाद, टाइम आने के बाद, ठीक है, अब हम नहीं आएंगे, करेंगे, देखो ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, मैं बस आपको ये कह रही हूँ, जब भी आप ये डिसीजन करेंगे या लेंगे, ठीक है, आप हर चीज को देख के करिएगा, ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि दिल्ली में आने का, और आप जिस मेंटल कैपेसिटी से आएंगे कि वही आपको ना मिले, ठीक है, तो अपने आप को तैयार करके आना कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आप सिटी के अंदर आ रहे तो अच्छी फैसिलिटीज ही आपको गारंटेड मिलेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फैसिलिटीज आपकी लिमिटेड है, सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बट हाँ जहाँ पे आपका गोल अगर दृढ़ है कि हाँ यूपीएससी करना है, तो वहां पे ये चीजें जो है फिर मायने नहीं रखती है, बट यूपीएससी एक बहुत लंबा सफर है, तो यस ये चीजें कहीं ना कहीं आके एक मायने जो है रखने लगेंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर जो है वो है मानव विकास के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एचडीआई जो है कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सुकून, आपका भी दिन जो है, सभी का दिन जो है शुभ हो। हाँ जी आगे बात करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में जब हम बात करेंगे तो ये बात ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, विकास और विकास का बेसिकली ग्रोथ किस प्रकार से है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। ग्रोथ क्या है, जब उसको आप एक क्वांटिटी के रूप में मेजर करोगे, ठीक है, जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमी में ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, तो मतलब अगर जीडीपी अगर 7% से इंक्रीज कर रही है तो वो क्या है, एक क्वांटिटी में आप बता रहे हो ना कि 7% से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ऐसे ही जीडीपी डिक्रीज कर रही है 2% से, तो आपने क्या बताया, एक पॉजिटिव, इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक आपका ये क्या है, ये है मात्रात्मक, ठीक
बताता है? क्वांटिटी बताता है कि ये आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कि ये भाई आपका पॉजिटिव रहेगी या आपकी नेगेटिव जो है ग्रोथ रहेगी, करेक्ट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट है जब आप क्या देखते हो, क्वालिटी देखते हो, गुणात्मक देखते हो, ठीक है। सो ग्रोथ देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जैसे है, करेक्ट, पीछे हमने जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या जो है एक राज्य की बढ़ रही है, ठीक है। दैट मींस वहां की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को हमें मिली है, क्वांटिटी हुई ना, कि पहले 100 लोग रहते थे तो अब 500 लोग रहते हैं, करेक्ट। तो वहां पे क्या हुआ, ग्रोथ हम जो है बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो डेवलपमेंट है वो ना पॉजिटिव ग्रोथ पे निर्भर नहीं करती है। जरूरी तो नहीं है कि 500 लोग अगर वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उतनी ही वहां पे क्या है, डेवलपमेंट भी हो, जरूरी नहीं है ना ये गाइस। तो डेवलपमेंट ग्रोथ पे निर्भर नहीं करती है। ग्रोथ क्या है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव विकास को हम कह सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस, हाँ जी ऑफलाइन क्लासेस होती है निर्माण आयोग की, बिल्कुल दिल्ली में ही, यहीं पे होती है मुखर्जी नगर में। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसने आपका एसडीआई निकाला है। अब आगे डेवलपमेंट पता चल गया क्या है, एक आपको क्या है बताएगी क्वालिटी, उससे क्या पता चलेगा क्वालिटी जो है किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, राइट। सो कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। बेसिकली एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसे मान लेते हैं कि वहां पे जो है पहले एक स्कूल था एक राज्य के अंदर, ठीक है, अब वहां पे चार स्कूल है, करेक्ट। सो वहां पे क्या है, आपने एजुकेशन डेवलपमेंट करी, करेक्ट, एजुकेशन जो है वहां पे प्रोवाइड करी। अब आगे बात करें, वहां पे आपने क्या है, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाई, राइट, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंक्रीज करी, ये सभी चीजें क्या है, डेवलपमेंट है। जहां पे आप लोगों को क्या दे रहे हो, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हो, जहां पे आप रहने की क्वालिटी दे रहे हो कि आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। अब आगे बात करें ग्रोथ डेवलपमेंट पे जब आएंगे, तो यहाँ पे गाइस जो डेवलपमेंट है वो आपका क्या है, सकारात्मक विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। अब जब 100 लोग रहते थे आपके एक राज्य में, 500 लोग रहेंगे, तभी तो आप सोचोगे कि हाँ भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज जो है बढ़ाने की जरूरत है, करेक्ट। येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार या डेवलपमेंट हमेशा, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ होगी, मतलब डेवलपमेंट जो है होगी ही होगी। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर जनसंख्या देखो यहाँ बढ़ी, इससे क्या हुआ, हमारी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तभी हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई डेवलपमेंट जो है इंक्रीज करनी हमें चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, ये चीज आपकी फैक्ट या जरूरी जो है नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लिखा है जैसे कि एक सिटी ग्रोज 1 लाख to 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक सिटी राज्य में आपके क्या हुआ, एक सिटी में देख लेते हैं 1 लाख से 2 लाख जो है जनसंख्या हो गई, ये हमारी ग्रोथ हो गई। हाउएवर इफ अ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, बेसिक सर्विस हो गया, वो सेम की सेम रहेंगी, राइट, तो क्या होगा उससे, मतलब डेवलपमेंट तो नहीं हुई ना वहां पे, केवल क्या हुई, ग्रोथ हुई। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से आया, कि मानव का जो विकास है वो किस प्रकार से शुरू हुआ, कि एक उन्होंने सोचा कि हम सोसाइटी के डेवलपमेंट पे, एरिया के डेवलपमेंट पे ना देख के हमें क्या है इस चीज को बदलना होगा, मानव के विकास पे से जो है सोचना होगा, ठीक है, कि जो लोग वहां पे रहते हैं कि उनको किस प्रकार की फैसिलिटीज की जरूरत है, या उनका जो स्टैंडर्ड लिविंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, उस प्रकार से जो है मानव के अराउंड हमें विकास को सोचना होगा, ना कि सिटी के अराउंड मानव का विकास, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए, और उन्होंने बोला ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बेसिक गोल क्या है, विकास का, टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स। बेसिक गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का कि उनको एक अच्छी और मीनिंगफुल क्वालिटी लाइफ जो है मिल सके, उसे हम कहेंगे आपकी मीनिंगफुल लाइफ, मतलब क्या, एक लाइफ जो है अपने
वो डायलॉग कौन सा है गाइस? जिंदगी आपकी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सेम यहाँ पे जो है मीनिंगफुल लाइफ जो है आपकी, उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ लंबी हो, क्वालिटी से आपकी जो है लाइफ बनी रहे, ये कहलाती है जहाँ पे आप एक हेल्दी लाइफ जी सके, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज जो है अच्छे से मिल सके, ठीक है, जहाँ पे आप एक फ्रीडम जो है आपको मिल सके, ताकि आप अपने गोल बिजनेसेस एम्स सभी को क्या है अचीव कर सके, करेक्ट। तो यही अच्छा आपके अकॉर्डिंग, मान लो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया या फिर आपसे ऐसे जो है राइट दे दिया गया आपको, ये बहुत ही एक अच्छा ऐसे का टॉपिक बन सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ मीनिंगफुल लाइफ। तो आप बताइए मुझे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ मीनिंगफुल लाइफ, एक दो लाइंस में जो है लिख के मेरे को बताइएगा कि आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू मीनिंगफुल लाइफ जो है क्या होती है, ठीक है। अब वो हर एक पर्सन के लिए ना डिफरेंट होगी, हर एक पर्सन के गोल्स ड्रीम्स मीनिंग्स ऑफ लाइफ फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दैट। क्लास कब एंड होगी, एक तो आप क्लास में लेट आए हो, अब आप मुझसे पूछ भी रहे हो कि क्लास एंड कब होगी, अभी क्लास का तो समय ही नहीं हुआ, 10:30 बजे क्लास शुरू होती है, 10:30 तो हो जाने, 11:30 तो हो जाने दो। हाँ जी, तो बताइए आप सभी के अकॉर्डिंग कि क्या लगता है आपको कि एक मीनिंगफुल लाइफ आपके लिए पर्सनली क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर यू आर सेइंग दैट कि मीनिंगफुल लाइफ आपके लिए है ग्रोथ फॉर ऑल, तो आप तो ये मतलब आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हो, आप ये जस्ट सिविल सर्वेंट करके क्यों बता रहे हो कि ग्रोथ फॉर ऑल इज अ मीनिंगफुल लाइफ। आप अपने बारे में भी तो बताइए कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे लिए मीनिंगफुल लाइफ ये रखती है, ठीक है जी मैम। हाँ जी बताइए कि क्या है आप लोगों के लिए मीनिंगफुल लाइफ, अगर आपसे ऐसे या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, अच्छा ऐसे का टॉपिक भी बन सकता है यहाँ से। देखो इंस्टेड आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और इक्वालिटी जस्टिस इन सभी पे जो है आपको क्या मिले, एक इक्वालिटी मिले, करेक्ट, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल इनजस्टिस ना हो, एक गुड गवर्नेंस हो राइट, और एक आपके लाइफ के अंदर। उसके साथ साथ मीनिंगफुल लाइफ क्या है आप मेंशन करो भाई, आपकी फैमिली फ्रेंड्स दीज आर पार्ट ऑफ योर मीनिंगफुल लाइफ, ओके। सो रिमेंबर योर फैमिली, रिमेंबर योर रूट्स, रिमेंबर योर फ्रेंड्स, हुएवर गिव्स यू अ क्वालिटी इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में ये बोल दिया कि हाँ भाई ग्रोथ फॉर ऑल चाहिए, ये थोड़ी है। इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें भी अटैच करोगे राइट, कोई भी इतना जो है इतना भी मतलब ऑब्वियसली लोग जो है सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप भी तो आपका ही तो ड्रीम है ना यूपीएससी, तो आप उसको इंक्लूड करो, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंगफुल लाइफ टू अचीव योर ड्रीम्स और टू मेक फ्रेंड्स और टू हैव अ क्वालिटी लाइफ टू प्रोवाइड टू योर फैमिली, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मीनिंगफुल लाइफ, यस और नो। फिर उसके बाद आप बात करो कि हाँ ग्रोथ फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल, ये सभी आप फिर बाद में बात करो, तो दोनों ही फ्रंट से आप बात करो, ठीक है, एक सिविल सर्विस सर्वेंट की तरह से भी और एक एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगेन अगर जब आप ये करोगे तो इट गिव्स लाइक अ इमोशनल कॉन्टेक्स्ट टू द आंसर एंड सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप जब लिखेंगे तो भी जो है इट विल गो। कोई बात नहीं, फैमिली के बारे में लिखो, फ्रेंड्स नहीं है तो फैमिली, जिस फ्रेंड फैमिली वॉट एवर, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि दैट हैज हेल्प्ड यू प्रोवाइडेड यू अ क्वालिटी, आज आप जिनकी भी वजह से यू आर स्टेबल और जिनकी भी वजह से आज आप पढ़ पा रहे हैं और अपने ड्रीम्स अचीव कर पा रहे हैं, मेंशन देम, मतलब नाम मत मेंशन करना बट यस जस्ट मेंशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड यू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू योर मीनिंग ऑफ लाइफ। तो मीनिंग ऑफ लाइफ इज फ्रेंड्स फैमिली गोल्स राइट एंड देन सोसाइटी, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स फैमिली गोल्स सोसाइटी आप ऐसे मेंशन करना। पर्सनल
पर्सन कैन डेवलप फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली भूल गए आप, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, इमोशनली भी लिख सकते हो। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे मीनिंगफुल लाइफ क्या है गाइस, जहाँ पे आप बेसिक हेल्दी, आप अपने बारे में ये भी लिखो कि हेल्थ हेल्थ रहेगी, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो जब आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे और आगे सोसाइटी और अपना जो है भला कर पाओगे, तो उसको भी मेंशन जरूर करना। द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो जब मानव विकास की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आती है, चार चीजों पे बात करेंगे। पहली है समानता, जिसे बोलते हैं इक्विटी, दूसरी है स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, तीसरी है आपकी उत्पादकता, और फिर है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इन सभी चीजों पे क्या है हम बातचीत करेंगे। इक्विटी मतलब समानता, इक्वालिटी, जैसे कि आपने आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी है ना, तो यहाँ पे क्या आ गई समानता। सबसे पहले मैं आपको बोला था यहाँ पे क्या है समानता का मतलब क्या है गाइस, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, वो समान मात्रा में क्या है सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, एक इक्विटी टाइप, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, रेस हो, एनीथिंग, कास्ट कास्ट, उससे जो है उसका रिलेशन आपका नहीं होना चाहिए। और जितने भी आपके लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज क्या है समान मात्रा में मिलनी चाहिए। आइडल लाइफ, आइडल लाइफ मैम डिस्क्राइब प्लीज, आइडल लाइफ तो ये वैरी करेगा ना। अब मेरे लिए जो एक अच्छी लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी, आप लोगों के लिए जो अच्छी लाइफ होगी वो तो डिफरेंट होगी। बेसिकली एक आइडियल लाइफ क्या हो सकती है, बेसिक चीजों में, जहाँ पे आपके आपके ऊपर आपके साथ एक फैमिली हो, जहाँ पे आपके हो सकता है फ्रेंड्स हो, नहीं हो तो फैमिली हो, करेक्ट। जहाँ पे आपके कुछ गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं या अचीव आपने कर लिए हैं वो हो, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और थोड़ी सी आपके लाइफ में शांति जो है वो बनी रहे, पीस रहे, राइट, और आप थोड़े सेटिस्फाइड जो है लाइफ से हो जाए, वो बेसिकली आइडल लाइफ रहेगी। अमेजिंग सेशन ज्योति, कहाँ पे जा रहे हो? ओके फिर क्या आई समानता आ गई। दूसरी हम बात करेंगे जब मानव विकास पे, फिर क्या है गाइस स्थिरता, राइट, कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है या जितने भी आपके पास क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उनका क्या है एक अच्छे मैनर में स्थिरता के साथ क्या है उसका उपयोग करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पानी की कमी हो गई है हमारे देश में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो क्या है सूख गई है, कर्नाटका में क्या है वाटर क्राइसिस आपके हो रहे हैं, सूख ड्रॉट सिचुएशन आपकी चल रही है, अब इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, जहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको आप क्या है राइट मैनेज करते हैं अच्छे से। अब इसमें क्या है लिखा है सभी पर्यावरणीय और वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग क्या है भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे, वो क्या कहलाएगी सस्टेनेबिलिटी। अब उसके बाद चार पिलर आते हैं मानव विकास के, तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब एक देश की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब वहां का जो लेबर है राइट स्किलफुल होगा, अच्छा लेबर होगा, काम अच्छे से करेगा, बड़ा बड़ी मात्रा में जो है लेबर लेबर आपकी जो वर्कफोर्स है वो होगी, करेक्ट, तो वो क्या करेगी उत्पादकता जो है उस एरिया की, देश की, विश्व की जो है इंक्रीज करेगी, करेक्ट। अब उसके लिए क्या करना होगा देश को, अच्छा अच्छी स्किल प्रोवाइड करनी होगी, करेक्ट, सो वहां पे अच्छी कैपेबिलिटीज जो है लोगों को प्रोवाइड करनी होगी, देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, उसके लिए क्या इसलिए उनके ज्ञान को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य पे जो है आपकी पॉलिसीज लेके आना, सब्सिडीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सभी में जो है काम करना होगा। अब आगे बात करें लास्ट जो है एम्पावरमेंट, राइट, एम्पावरमेंट क्या है, लोगों के पास एक फ्रीडम होनी चाहिए वो अपना गोल चुन सके, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए वो अपने पॉलिटिशियंस नेताओं को चुन सके। सो एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री आपकी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को हक हो एक गुड गवर्नेंस का आपका चुनने का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी शक्ति बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमता से आती है, करेक्ट। तो लोगों को क्या है गाइस सशक्त बनाने के लिए आपका क्या करना होगा, उनको इम्पावर करना होगा, अवेयर करना होगा, उनको पावर देनी होगी, जैसे हमारे पास क्या है वोटिंग पावर है ना, करेक्ट, हमें अपने नेता चुनने की क्या है पावर दी गई है, तो इसी प्रकार से क्या है आपका ये इम्पावरमेंट। ये चार बड़े पिलर्स हैं जिसपे HDI जो है आपका है। अब बात करें यहाँ पे देर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, सम ऑफ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। अब यहाँ पे ना गाइस क्या है मानव विकास की जब हम बात करेंगे,
इनको सुधारने के लिए मानव विकास को कुछ अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है। कैसी कैसी चीजें जो है देखी जाती है, जैसे इनकम अप्रोच है। पहली क्या है, आय दृष्टि, इनकम को इंक्रीज कर दो, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। वेलफेयर, कल्याण करो, वेलफेयर स्कीम्स लेके आओ देश के अंदर, ऐसे ही। फिर आपका क्या है, न्यूनतम आवश्यकता दृश्य, मिनिमम नीड्स, बेसिक नीड्स जो होती है, ठीक है, घर आपका, पानी, बिजली, ये सब बेसिक नीड जो है उन पर फोकस किया जाए। और फिर आपका जो आती है यहाँ पे कैपेबिलिटीज, लोगों को क्या दो, स्किल्स दो, ट्रेनिंग दो, अवेयरनेस, इम्पावरमेंट, पावर, ये सब आप दोगे। गाइस मैं ना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इससे चिल्ला के तो कोई बोल नहीं सकता। मैम मैं फर्स्ट बार वोट दूंगा, ओके okay। मैम बट नेता लोग कुछ करते नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखो इतना भी हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं करते, बट हाँ कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि यस, इन अ वेरी हायर परसेंटेज वो नहीं करते हैं। वो वॉइस ठीक है मैम, वॉइस क्लियर है मैम। तो अब बात करें इसमें अप्रोचेस, हमें मानव विकास के लिए क्या क्या अप्रोचेस जो है इस्तेमाल कर सकते हो। पहली क्या है गाइस, आपकी आय दृष्टिकोण से देख सकते हो। आप क्या करो, मानव विकास को जब आप किससे लिंक करोगे, इनकम से लिंक करोगे। दैट मींस आपने क्या करा, हायर द इनकम हायर इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने क्या कर दी, इनकम बढ़ा दी लोगों की, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ा दी तो क्या हुआ, उससे मानव का विकास हुआ। अब लोगों के पास पैसा होगा तो फैसिलिटीज जो है वो अप्रोच कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अगेन क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। दूसरा आपने क्या किया, वेलफेयर आप स्कीम्स लेके आए। इसमें क्या है, क्या करती है सरकार, सरकार आपके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो आपकी सोशल एक्टिविटीज, एमिनिटीज, उन पे आपका क्या है, पैसा लगाती है, ठीक है। जैसे आपका आयुष भारत स्कीम है, वो क्या है, वेलफेयर स्कीम है, मेडिकल फैसिलिटी स्कीम है। तो उसमें क्या किया गया, इस प्रकार से अगर भारत क्या है या विश्व में ऐसी पॉलिसीज आपकी लाई जाती है वेलफेयर स्कीम, उससे क्या होगा, अगेन मानव में विकास होगा, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। तीसरा आता है, आप क्या करोगे, आवश्यकता की दृष्टिकोण से बेसिक नीड जब है उस पे फोकस करोगे। अब इसमें बेसिक नीड जो है आईएलओ क्या कहता है, वो है आपकी ये छह बुनियादी आपकी जो है नीड्स हैं, जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, राइट, आपकी स्वच्छता, सैनिटेशन, इन पे आप जब फोकस करोगे, राइट, तो क्या है, मानव का विकास पूरे विश्व में हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इग्नोर्ड एंड इम्फेसिस ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स, ठीक है, कि लोग क्या चाहते हैं, इंस्टेड आपकी जो बेसिक नीड्स है आप उस पे फोकस करते हो, तो उससे क्या है, मानव का विकास हो सकता है। मैम नहीं विष्णु, आपका ब्लॉक नहीं किया गया, रिफ्रेश कर लो, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। फिर क्या आती है गाइस, आपने क्या किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के छात्रों को आपने क्या दी, क्षमताएं प्रोवाइड करी, ठीक है, कि आपने क्या करी, स्किल्स, ट्रेनिंग, कैपेबिलिटीज जो है क्या है, छात्रों को प्रोवाइड करने लगे। एजुकेशन आपने दी, तो उससे भी क्या हुआ गाइस, उससे हुआ कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच जो है अमर्त्या सेन जो आपके प्रोफेसर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा चैप्टर भी जो है हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। सो अभी पूरा टाइम भी नहीं हुआ है और तीसरा चैप्टर जो था वो भी हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास जो है, अब HDI जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस पे कैलकुलेट करते हो गाइस बताइए, बहुत बार बता चुकी हूं मैं। एक मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, दो आप बताएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू मैम, बाय मैम, नहीं थैंक यू मैम, बाय मैम नहीं, यहाँ पे चैप्टर फोर्थ है उसको शुरू करना है। मैं प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं, तो एक, दो और तीन, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर गेहूं खेती करनी है, ठीक है, गेहूं की आपको फसलें लगानी है, यहाँ पे आपने क्या है, गेहूं की फसलें लगाई, ठीक है, तो वो
उसके लिए बीज हो गया लाना, उसके लिए खाद हो गया, एवरीथिंग विल कम अंडर द प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। दूसरी बात, आपने क्या सोचा, राइट, दूसरा कि आप गेहूं की फसलें हो गई हैं आपके पास इकट्ठी, तो अब मैं उसे कुछ ब्रेड बनाता हूँ, आटा बनाता हूँ, आटा इंडस्ट्री लगाऊंगा, ब्रेड इंडस्ट्री लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई, वो द्वितीय क्रियाएं हुई, ठीक है। फिर आती है तृतीय क्रियाएं, उनमें क्या है, जब आपने सर्विसेज देना चालू कर दिया साथ में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे दी, अब आप इसका एक्सपोर्ट सर्विसेज कर रहे, इंपोर्ट कर रहे, ऑल ऑफ दैट, वो आपकी आएगी किसमें, तृतीय में। आज हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक एग्रीकल्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आज जो है मैं आपको दोबारा से इसका रिविजन करवाती हूँ। मैम कोई मोटिवेशन के लिए कोई बात बता दो जो दिन से, हाँ जी, कोई मोटिवेशन के लिए, देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे मोटिवेट हो, बट हाँ कोई आपको पढ़ाने में इतना एफर्ट ले रहा है, आपका तो गोल है, आपको तो पढ़ना ही चाहिए, करेक्ट, चाहे कुछ भी हो। अच्छा प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूपीएससी में क्या आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़े दिन बाद मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, थोड़े दिन बाद मन नहीं करता कि अब नहीं हो रहा, थोड़े दिन बाद आपको लगता है आप बहुत टेंशन में हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, यही आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि एक जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, इतना सारा सब्जेक्ट है, राइट, उसको बार बार रिवाइज करना इज बोरिंग, बोरिंग फॉर एवरीवन। आपको लगता है कि 2-3 दिन बाद आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं, सेम स्टेज फॉर एवरीवन, बट फिर आप लोग और उन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो सिलेक्शन, जिनकी प्रॉब्लम सेम है आपकी भी उनकी भी, बट दे आर लाइक यू नो गेटिंग द सिलेक्शन एंड क्लियरिंग द एग्जाम, क्यों ऐसा क्यों है, राइट, क्यों है ऐसा गाइस, क्योंकि उनको पता है कि ये छोटे छोटे जो फेलियर्स हैं उनसे आगे बढ़ना है, ठीक है, दिस इज नॉट द एंड, ये एंड नहीं है। जब आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लोगे कि मैं रुकूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, यू विल नॉट स्टॉप, आपका जो गोल है जब तक आप अचीव नहीं कर लोगे, आप ये गोल रखो, यू विल नॉट स्टॉप बट यू कैन रेस्ट, ठीक है, 2-3 दिन बाद आपको लगा कि आपसे नहीं हो रही है, रेस्ट करो उस दिन, आधे दिन पढ़ाई मत करो, उस आधे दिन पढ़ाई करो ही मत, ठीक है, उसके बाद रिलैक्स करो, फिर आपको खुद लगेगा कि अच्छा मैंने अब रिलैक्स कर लिया है, मैं टेंशन से फ्री हूँ, जो भी आपको पसंद है आप वो करो, ठीक है, उसके बाद फिर से जो है स्टार्ट करो, तो अपना मोटो बना लो, आई विल नॉट स्टॉप बट यस आई विल रेस्ट व्हेन आई विल फील कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप रेस्ट करो, छोटा सा ब्रेक लो, तो क्योंकि बहुत बड़ी ये रेस है, इसीलिए यू हैव टू रेस्ट, आपको करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो उसमें ब्रेक लो, राइट, और ऐसा नहीं है कि आपका टाइम टेबल है तो केवल आपसे ही ब्रेक हो रहा है, जितने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं सबसे ही ब्रेक होता है, सभी के लिए सेम प्रॉब्लम, सेम आपके जो है सिलेबस है। हम नहीं आएंगे अब, प्रकाश भाटिया, मैंने आपको कब इग्नोर करा है बताओ, 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा जब जाके याद होगा, यस मैं तो कह रही हूँ 10 बार भी गाइस बहुत कम है, ठीक है, कि जितनी बार आप कर सको, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक आपके पेपर जो है सॉल्व ना हो, राइट, अच्छे से, तब तक आप रिवीजन जो है करते रहो, ठीक है, तब तक आप रिवीजन करो, जब तक आपसे, अब 5वें हो जाए बेशक, हो सकता है ना आपके लिए 10 रिवीजन लग रही हो तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए 5 लग रही हो, राइट, पर आपको कंपेयर नहीं करना कभी भी, राइट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर जो एस्पिरेंट है, बिल्कुल भी नहीं करना, उससे केवल और केवल डिमोटिवेशन ही होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो नेगेटिवली हमेशा चीजों को देखता है कि यार वो तो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं भी यही करूंगा, ठीक है, सो ये नहीं करना है, राइट, आपका, आप ना ऐसे जो हॉर्स के आगे वो लगते हैं ब्लिजर्ड्स बोलते आएंगे सुने, उसकी तरह आपको जो है चलना है अपने गोल की तरफ, आप रुक जाओ, मतलब आप रेस्ट कर लो, बट बिल्कुल भी आपको क्या है, खत्म, क्विट नहीं करना है, ठीक है, सो स्टॉप बट डोंट क्विट, दैट शुड बी योर मोटो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस मैं ही प्रिपेयर कर रही, मैं प्रिपेयर करूंगी फिर आपके लिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने फिर प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। आपको जो हेल्प चाहिए हो, लाइक पर्सनल गाइडेंस, एनीथिंग यू कैन टेल मी, आई विल हेल्प यू। आगे बात करते हैं, चैप्टर 4 पे आते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो है क्या होती है इसके अंदर, एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है, कृषि जो है उसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, उन पे ही बातचीत हम करेंगे। अच्छा, पहली जो इसमें आती है वो क्या है, आपकी हंटिंग और गैदरिंग। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर पहली क्या है, हंटिंग और गैदरिंग है। ये कृषि के साथ साथ आपकी क्या है, हंटिंग और गैदरिंग भी जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ही आपकी आती है। क्योंकि पहले जब आपकी लोगों को कृषि के बारे में जब नॉलेज नहीं थी तो लोग क्या करते थे, लोग आपका शिकार करते थे, राइट। तो यहीं पे एनिमल्स व्हेन दे व्हिच दे हंटेड एडिबल प्लांट्स हो गए जो गैदर करते थे, ठीक है। जानवर को हंट किया जाता था और गैदर किसको किया जाता था, आपके खाने योग्य पौधे जो उनके आसपास होते थे जंगलों में, उन्हें इकट्ठा, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। हंट मतलब शिकार करना। सो हंटिंग और गैदरिंग पता चल गया। गैदरिंग कहाँ पे होती है, मोस्टली आप देखोगे जितने भी उच्च अक्षांश रेखाओं वाला रीजन हो गया ना, कनाडा आपका, यूरोप वाला एरिया हो गया, उच्च अक्षांश एशिया वाला हो गया, चिले, इन सभी जगह में आपकी जो है क्या है, गैदरिंग इकट्ठा करना, मतलब फॉरेस्ट से प्रोड्यूस जितना भी है, खाने पीने का सामान हो गया, यूसेज ऑफ वुड हो गया, ये सभी आपका जो है, जो जो भी आपके फॉरेस्ट से, वनों से जो है चीजें मिलती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। फिर आता है निम्न अक्षांश रेखाओं की बात करोगे तो जो अमेज़न वाली खाड़ी हो गई है, उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे आपकी जैसे ये देखना पूरा हंटिंग और गैदरिंग वाला एरिया लिखा गया है, आप अफ्रीका नॉर्थ में आप देखोगे उच्च अक्षांश रेखाएं और ये आपकी लो लोअर आके जो है राइट अक्षांश रेखाएं। इसी में बात करें फिर आता है पैस्टरलिज्म। वो क्या होता है गाइस, मतलब जब आपके पास क्या है, आपके गाय, बफलो, शीप, इनको आप चराते हो, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं, खानाबदोश चरवाहा, नोमैडिक हर्डिंग्स। ऐसे बोलते हैं ना कि यू आर लिविंग लाइक अ नोमैड, इसका इंग्लिश इंग्लिश में सेंटेंस है। हिंदी का मतलब क्या है, आप एक बंजारा की तरह रह रहे हो, ठीक है। तो जो आपके बंजाराज होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, करेक्ट। क्यों जाते हैं, अब उनकी जो भी कैटल है ना, उनको चराने के लिए वो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं नोमैडिक। इसमें क्या लिखा है, वे चरागाहों को और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपने पशुओं को के साथ क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कितना चारा है, कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है ना, कितना वहाँ पे क्वालिटी आपका जो पैस्चर है, कितना चारा अच्छा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो बंजाराज हैं, जो चरवाहे हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कहाँ पे जाएंगे, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, खानाबदोश, और बंजाराज भी इसके अंदर आपके आते हैं। अब फिर आता है गाइज यहाँ पे राइट, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, पशु धन पालन, जहाँ पे आप एक बड़े मात्रा में क्या करते हो, जैसे आप यूएसए में जाओगे या फिर भारत में जाओगे, तो हमारी आपकी पूरी कैटल इंडस्ट्री है, आप क्या करते हो, वहाँ पे पशुपालन करते हो, चाहे वो मीट के लिए हो या डेयरी के लिए हो, करेक्ट। तो वो क्या है, कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल मतलब जहाँ पे भी लिखा हो, दैट मीन्स बड़े लेवल पे आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, या फिर एक देश से दूसरे देश में जो है चीजें क्या है ले जाई जाएंगी। अब ये आपका वेस्टर्न साइड पे जो है काफी ज्यादा है, मैंने जैसे कि आपको बताया यूएसए के अंदर, राइट। सो यहाँ पे क्या है, क्या किया जाएगा, व्हेन द ग्रासेस ऑफ वन पार्सल इज ग्रेज, एनिमल्स आर मूव टू अनदर पार्सल, ठीक है। आप कमर्शियल लेवल पे ये कर रहे हो, दैट मींस आप बड़े पैमाने पे जब ये चीज करते हो, राइट, जब आपके जो भी क्या है, पशुधन है, लाइफ स्टॉक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे चराया जाता है, उसे हम बोलते हैं कमर्शियल लेवल पे काम करना, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे बात करें, ये आप देखिएगा नोमैडिक, जो आपके नोमैड्स है ना, पीछे मैंने आपको बताई थी नोमैड्स कहाँ पे सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं, ये आप देखिएगा अफ्रीका के एरिया में हो गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगी, राजस्थान वाला इलाका जो है उसमें, भारत में आपको जो है पाए जाएंगे। अच्छा, और ये आगे बात करते हैं, इस पे हम दोबारा आएंगे, सबसिस्टेंस पे। सबसिस्टेंस क्या है, निर्वाह जीविका कृषि या निर्वाह कृषि, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपने निर्वाह के लिए कृषि कर रहे हैं, जिसमें क्या आती है गाइस,
आपकी झूम कल्टीवेशन आती है, झूम कृषि आती है जिसमें आती है, जिसे को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर आपका क्या है, इज वन इन विच फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल एंड नियरली सो दैट प्रोडक्ट्स लोकली ग्रो। तो बेसिकली आप क्या है, एक एरिया के अंदर लोकल प्रोडक्ट जब आप उगाते हैं उसे हम बोलते हैं निर्वाह कृषि बोल सकते हैं। दो प्रकार की ये होती है, इसे दो श्रेणियों में बांटा जाता है, पहली है आदिम निर्वाह कृषि और फिर है गहन निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। तो पहली आती है प्रिमिटिव के ऊपर आते हैं, प्रिमिटिव के अंदर क्या आती है, झूम कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। इस पे क्या किया जाता है, एक लैंड पार्सल होता है, एक लैंड, एक भूमि का एक एरिया लिया जाता है जिसे पहले क्या है, जलाया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है, उससे क्या बनती है, राख बनती है, राख को मिट्टी में आपका मिलाया जाता है, उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, फर्टाइल जो है वो और इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर आपका क्या है, वहां पे फसलें, फिर आपकी जो है फसलें लगाई जाती हैं। अब बार बार ये जलाने से होता क्या है, जो मिट्टी है ना वो इतनी उपजाऊ लंबे समय तक आपकी नहीं रहती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो आपके फार्मर्स होते हैं उस लैंड को छोड़ देते हैं, 2-3 साल तक वो आकर लैंड क्या पड़ी रहती है, करेक्ट, उस पे कोई आपका काम नहीं होता है। फिर 2-3 साल बाद वो दोबारा आते हैं, तब तक क्योंकि सॉइल जो है उपजाऊ धीरे धीरे जो है होना शुरू कर देती है, उसके बाद फिर से जो है उसका यूज किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बेरन आपकी जो लैंड, दैट मींस ऐसी बंजर भूमि जो है पैदा होती है ज्यादा से ज्यादा, किसकी वजह से, झूम कल्टीवेशन की वजह से, झूम खेती। हाँ जी, झूम खेती जो है आपकी ये कहाँ पे पाई जाती है, आप देखोगे ट्राइब जहाँ पे होती है ना, ट्राइबल एरिया जहाँ पे है, या आपका विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया में आपकी जो है पाई जाती है। इसमें मैंने आपको बता दिया है, पहले खेतों को जलाया जाता है, इसे आपका जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देखो इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना क्या कहा जाता है, झूमिंग, झूमिंग कहा जाता है। फिर अमेरिका और मेक्सिको में आओगे इसे क्या कहा जाता है, आपका मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ मलेशिया और इंडोनेशिया में, इसे क्या कहा जाता है, लदांग, किसको गाइस, झूम कल्टीवेशन है उसको, ठीक है। अब दूसरी है गहन निर्वाह कृषि, इसमें आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दो प्रकार की आपकी ये होती है, पहली है गहन निर्वाह कृषि जिसमें पैडी कल्टीवेशन, जिसमें आप धान की खेती करते हो, ठीक है, बड़े पैमाने पे जब आपका क्या है, धान की खेती की जाती है। अब इसमें क्या है, एक ही कृषि, एक प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे कि आपका धान, ठीक है, एक प्रकार की आपकी फसल उगाई जाती है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना, जब जो निर्वाह कृषि होती है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, इसमें होता क्या है, आपके जो लैंड एरिया होती है, लैंड एरिया जो है वो क्या है, आपका कम होता है, ठीक है, लेस। और आपके जो फार्मर्स, खेती करने वाले जो लोग होते हैं ना, इस पे क्या होते हैं, काफी अधिक होते हैं, मोर, ठीक है, फार्मर्स आर मोर, लैंड इज लेस, पॉपुलेशन आसपास की जो है काफी अधिक भी है। तो ये आपकी कहलाती है क्या, जब एक प्रकार की, राइट, आपकी पैडी कल्टीवेशन एक प्रकार की, जैसे धान की खेती की जाती है। उसके बाद आती है फार्मर्स वर्क विद हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक ना लेबर जो है इसमें काफी अधिक यूज होता है, क्योंकि धान की खेती करना काफी जो है आसान नहीं होता है। उसके बाद मशीनरी क्या है, यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल क्या है गाइस, कम होता है। उसके बाद इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इससे होगा क्या, जब आप एक छोटे से एरिया के लिए किसानों को ज्यादा रखोगे, करेक्ट, और वहां से जो प्रोडक्शन आ रही है वो इतनी नहीं आ रही है, उससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं है ना, फार्मर्स को तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको धान की खेती तो बहुत अच्छी मिल गई, बट जो फार्मर को वेजेस मिलेंगी है ना, एक पर पर्सन जो उसकी सैलरी होगी, वेजेस जो होंगी वो क्या है, कम होगी, करेक्ट, कम होगी ना, क्योंकि ज्यादा फार्मर्स है और छोटी सी क्या है, लैंड एरिया है, ये याद रखना, ओके। अब आगे बात करें, इसी में आता है धान के अलावा अगर हम बात करें ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की, तो यहाँ पे क्या आता है, ड्यू टू द डिफरेंस, ये क्यों होता है, जहाँ पे मान लो ऐसा क्लाइमेट नहीं है जहाँ पे आप धान की खेती नहीं कर सकते, राइट, वहां पे ऐसी सॉइल नहीं है, तो वहां पे आप धान की खेती जो है प्रैक्टिकली नहीं आपकी संभव है, तो वहां पे आप क्या उगाओगे, वीट, सोयाबीन, बार्ले, जबकि ये कमर्शियल बड़े पैमाने पे उगाई जाने वाली क्या है, फसलें हैं।
बट आप छोटे पैमाने पे इसको उगाते हो क्योंकि धान की खेती जो है नहीं की जा सकती उस एरिया में तब। ठीक है, तो ये आप कहाँ पे आपको देखने को मिली, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान में हो गया है। आगे बात करते हैं गाइस एग्रीकल्चर में। यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट, ऐसे इन इंडिया वीट इज ग्रोन, आपके जो गेहूं है कहाँ पे उगाया जाता है, इंडो जो आपके मैदानी क्षेत्र है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राइट इंडो गंगा प्लेन्स। उसके बाद बात करें वेस्ट में आ जाओ, सदर्न इंडिया में जो है ड्रायर पार्ट्स में आपका उगाया जाता है। सो ये आपका क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे धान की खेती जो है प्रमुख रूप में नहीं पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पीछे, क्या पढ़ा था हमने, ये कहलाएगी आपकी दो प्रकार की, हमने पीछे पढ़ी थी ना इंटेंसिव, ये देखिएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह कृषि। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब हो सकता है कि प्लांट से ये रिलेटेबल हो, ठीक है, जहाँ पे आप क्या है प्लांट्स कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, वो कौन से प्लांटेशन होंगे, कॉफी टी ये सभी आता है किसमें गाइस, प्लांटेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसमें टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये सभी किसमें आते हैं गाइस, ये आते हैं आपके किसमें, यूरोपीय द्वारा उष्ण कटिबंधीय में स्थित आपका उपनिवेशों में लगाया गया कुछ महत्वपूर्ण वृक्षरोपण फसलें। ठीक है, वृक्षरोपण आपकी जो फसलें हैं वो कौन सी होंगी ये। अब ये भी क्या है, लेबर कैसा होगा इसमें, अधिक है ना, लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, आपके लेबर जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है, टी के गार्डन जब देखेंगे वहां पे। सो अगेन लेबर जो है कमर्शियल कमर्शियल पर्पस से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ लेबर जो है काफी अधिक इसमें इस्तेमाल होता है। इसके लिए पैसा जो इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ बड़ी पूंजी जो है निवेश उसमें होता है। उसके बाद आपका मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, इसको मैनेज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्योंकि देखो इसको आगे एक्सपोर्ट भी करना है, दूसरे क्षेत्र में भी जाना है, इसकी पैकेजिंग हो गई, इसको इसको कैसे आगे जो है पास ऑन कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल क्रॉप है, जैसे आपका या तो टी की फसल लगाओगे, कोको की लगाओगे, रबड़, कॉटन, ऐसे तो राइट सिंगल क्रॉप है, उसको मैनेज करना भी जो है आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, अगर हम इसे पैसा लेके आना है तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट अगर करना है मार्केट में तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अच्छा फिर आती है गाइस यहाँ पे मध्य अक्षांश रेखाओं के अंदर अर्ध शुष्क भूमि में आपके आंतरिक भागों के अंदर व्यावसायिक अनाज की खेती, इसे क्या बोलते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या है कि जब आप कमर्शियल कमर्शियल जहां पे भी हो, दैट मींस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं और एक बड़े पैमाने पे जो है क्या होगी आपकी खेती की जाएगी, वो आपकी मोस्टली वेस्टर्न एरियाज हो गए हैं वहां पे। ठीक है, आपका ये देखिएगा जैसे गेहूं जो है एक प्रकार की क्या है कमर्शियल फसल है, ठीक है, गेहूं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो ये एक प्रकार की ऐसे ही कॉर्न हो गया, ठीक है, ऐसे ओट्स हो गया है, आपकी बार्ले हो गया, इन सभी में आपकी क्या है गाइस कमर्शियल पर्पस से ये यूज किए जाते हैं, इसमें बड़े पैमाने पर जो है इनकी खेती होती है एक बार, ठीक है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है उन्हें, फिर दूसरी फसल लगाई जाती है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है, लाइक दैट। ठीक है, अब इसी में आगे बात करें कहाँ पे दिखने को मिलेगी, कैनेडा के अंदर, अमेरिकन प्रारीस के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, अब मिक्स फार्मिंग क्या है गाइस, जब आप एक से ज्यादा फसल जो है एक साथ लगाते हैं, जहां पे आप एक से ज्यादा फसल लगाएंगे, ये कहाँ पे पाई जाएगी आपको, नॉर्थ यूरोप में, अमेरिका में, यूरेशिया राइट, और कुछ साउथ के कॉन्टिनेंट्स में। अब इसमें क्या होता है फार्म्स, इसके जो फार्म्स होते हैं, खेती जो की जाती है, नॉर्मल टाइप के आपके फार्म्स होते हैं, साइज जो इनका रहता है ज्यादा बड़ा आपका नहीं रहता है। विष्णु यादव आप ब्लॉक नहीं हुए हो, आप ब्लॉक नहीं हुए हो, मुझे आपका मैसेज दिख रहा है। ठीक है, एंड यूजुअली क्रॉप्स जैसे कौन सी है इसमें मिक्स फार्मिंग में, आप देखो वीट, बार्ले, ओट, राई, मक्का, फॉडर और इन सभी की राइट, ये आपने फसलें लगाई, उसके साथ आपने फॉडर फसलें लगा दी। ठीक है, आपने ये फसलें लगाई गाइस, उसके साथ जो है आपने चारा देने वाली फसलें जो है साथ में लगा दी, राइट, आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग, इसको ध्यान रखना। इसी में आपको पता है मिक्स फार्मिंग में क्या आते हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग प्ले, इसका मतलब होता क्या है,
इससे जो सॉइल है, मिट्टी जो है, उपजाऊ बनी रहती है लंबे समय तक, ठीक है। इसीलिए आप साथ साथ में क्या है, दो फसलों को लगाते हो। इससे जो है ज्यादा पानी भी यूसेज नहीं होता है, मिट्टी का अपरदन भी जो है वो भी आपका कम होता है, ये ध्यान रखना। मैम मेरी एनसीईआरटी नहीं पूरी हुई है तो 2025 एग्जाम देना है, तो क्या करें, 2025 में एग्जाम देना है, अभी तक कर सकते हो ना एग्जाम, बिल्कुल कर सकते हो। 2 महीने आपके लगेंगे एनसीईआरटी, 2 से 3 महीने एनसीईआरटी बहुत आराम से कर सकते हो। अच्छा उसी के साथ साथ आप जैसे चारा की फसल लगाएंगे तो उसको उससे क्या होगा, जो आपके पशु आपने पालन करा हुआ है उनका भी काम बन जाएगा, है ना, तो उनका भी काम बन जाएगा। तो इसमें क्या है, पहली बात कैटराइज, इसमें आप देखिएगा जो मिश्रित खेती होती है उसमें मशीन का इस्तेमाल जो है ज्यादा किया जाता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर जो हो गए हैं, ठीक है, आपके जो खाद हो गए रासायनिक खाद, उनको थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ना कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ के ना प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लास्ट टू लास्ट आती है, दो रह गई है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है, सिंपल, इज द मोस्ट एडवांस एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। डेयरी फार्मिंग क्या गाइस, बेसिकली जो मिल्क मिल्क प्रोडक्शन हो गया है, मिल्क आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो स्पेशल एम्फेसिस लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और वेटनरी सर्विसेज। इसमें कैटल ब्रीडिंग भी आएगा, डेयरी फार्मिंग के अंदर कैटल को ब्रीड किया जाएगा, उनकी हेल्थ पे भी फोकस किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो उनको वेट की फैसिलिटी, डॉक्टर फैसिलिटीज जो बोलते हैं, बेसिकली वेट उनके भी दिया जाएगा। सो मेन रीजन जहाँ पे कमर्शियल बड़े लेवल पर डेयरी फार्मिंग होती है वो कौन सी है, वेस्टर्न यूरोप में है, दूसरी है कनाडा में, और थर्ड बेल्ट आती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। न्यूजीलैंड के अंदर ये आपकी जो है सबसे बड़े पैमाने पर आपकी जो है खेती की जाती, डेयरी फार्मिंग की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है मध्य सागर में, भूमध्य सागर में आपके जो है खेती जो होती है उसे बोलते हैं मेडिटेरानियन एग्रीकल्चर, ये भी बड़े पैमाने पर आपकी की जाती है, ठीक है। सो जो मध्य सागर है उसी के साइड में आपकी जो है खेती होती है, और ये आपका अगेन कैलिफोर्निया, चिले, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, इस प्रकार की खेती यहाँ पे आपको पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, जो खट्टे फल जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप, वहाँ पे वाइन का कल्चर है, राइट। सो अच्छी वाइन अगर आपको चाहिए तो आप जाइए यूरोप के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में क्या होती है, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इनका जो है प्रोडक्शन आपका होता है। विटिकल्चर क्या है, यहाँ पे अंगूर की खेती को क्या कहते हैं हम गाइस, विटिकल्चर कहते हैं, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगी, भूमध्य सागर में आपको, उस रीजन में यहाँ मिलेगी। हाई क्वालिटी आपको ग्रेप्स यहाँ पे मिलेंगे, और उसी के साथ साथ इस क्षेत्र में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलिव्स, जैतून और आपका अंजीर जो होते हैं, ऑलिव्स और फिग्स, उनकी भी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे बात करें, ये क्या है गाइस, काफी अच्छे होते हैं फॉर आपके, देर डिमांड रहती है वाइन बनाने के लिए जो है, इनकी काफी यूसेज होती है। अब आगे बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पीशीज। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है आपके गाइस, ये फ्रूट सब्जियां जो आप खाते हो, फ्लावर, ये सभी इसमें आते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या है, बागवानी आपकी फसलें हैं। अब इसमें ना गाइस श्रम भी बहुत ज्यादा आता है और पूंजी भी जो है काफी अधिक मिलती है। आप सब्जियां हर रोज खाते हो, ठीक है, सब्जियां फल हर रोज खाते हो, नहीं खाते हो, सब्जियां फल फूल ये सभी चीजें क्या है, इनका पर्शियबल आइटम्स है, दैट मींस बहुत जल्दी खराब हो जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, हर रोज इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा तो यहाँ पे इसीलिए जो हाई एंड वैरायटी क्रॉप्स हो गई है ना, लेबर इंटेंसिव है, इसमें काफी इरिगेशन की, सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, राइट, कीटनाश हो गए, इन सभी का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये आपका जो है लेबर इंटेंसिव भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में आगे बात करें, ये सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड जो आपका है वहां पे आपका सबसे ज्यादा फ्लावर्स और हॉर्टिकल्चर, फूल सब्जियां ये सब जो है आपकी उगाई जाती है, स्पेशली टुलिप्स जो आते हैं यूरोप के अंदर,
सबसे ज्यादा फेमस क्या है? ट्यूलिप्स है। अब यहाँ पे बात करें द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइजेस इन वेजिटेबल ओनली द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। ठीक है, जहाँ पे केवल क्या है सब्जियां उगाई जा रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम? ट्रक फार्मिंग बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम इज। ठीक है, सो बेसिकली डिस्टेंस के रूप में रखा गया है कि कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे फसलें उगाई जा रही है, कहाँ पे मार्केट है, उसके बेसिस पे। ठीक है, सब्जियां उगा रहे हो तो ट्रक फार्मिंग आपकी कहलाएगी, ये ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर मतलब अगेन आपका क्या है? फूल उगाना। विकास, विकास बेचारे परेशान है कि कैसे उनको मैसेज नहीं दिख रहे। एक बार रिफ्रेश कर लो, विंडो क्लोज करके दोबारा से करके देखो। अच्छा, फिर आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, किसानों का एक समूह अधिक कुशल और लाभदायक खेती के लिए क्या है? बेसिकली आपने क्या करा, एक सोसाइटी बनाई। ठीक है, आपने क्या करी, एक सोसाइटी बनाई, और ये सोसाइटी क्या करेगी, किसानों की हेल्प करेगी। ये सोसाइटी क्या है, हेल्प कर रही है किसानों की पॉलिसीज या फिर किसानों की मदद, टेक्निक्स के अंदर, मशीन्स के अंदर, खाद, सीड, एनीथिंग। ठीक है, सो ये क्या करती है, सहकारी समितियां किसानों को क्या है, खेती के सभी महत्वपूर्ण इनपुट खरीदने में, ठीक है, चाहे वो या फिर सेल करने में या फिर इनपुट्स सप्लाई के साइड में, आपको जैसे मिट्टी चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, उनके लिए क्या है क्वालिटी प्रोडक्ट लाती है इन चीपर रेट्स। उसमें काम मतलब बैकएंड का जो भी काम है, एक खेती के अलावा जो काम है वो काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं। अब ये आपके जो है ना यूरोपियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, इनमें आपका जो है ज्यादा शामिल है। ठीक है, इसी में आगे बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, जब एक समूह फार्मर्स का, ये समूह किसका है, फार्मर्स का, एक समूह फार्मर्स का मिलके जो है खेती करता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग और फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज। इसमें क्या, किसान अपने सभी संसाधनों का क्या है, चाहे वो भूमि हो, पशुधन हो, उनको एकत्रित करते हैं और फिर जो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सारे फार्मर्स मिलके आएंगे, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्लब करेंगे एक दूसरे के साथ में और आपका जो है उस पर कृषि की जाएगी, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। लास्ट हमारे पास है गाइस माइनिंग। ठीक है, हमारे पास लास्ट क्या है गाइस, यहाँ पे खनन। तो खनन गतिविधि जो है वो क्या है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है फिजिकल, भौतिक आपका जो कारक है, इंक्लूड साइज, ग्रेड, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, कितने मतलब बेसिकली वहां पे जहाँ पे माइनिंग होगी वहां पे उसका आकार कैसा है, ग्रेड ऑफ मिनरल किस प्रकार का है, डिपॉजिट किस प्रकार के हैं। फिर आर्थिक कारक के कारण आपका जो है कि मिनरल कौन से खनिज जो है मार्केट के अंदर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसी पे जो है क्या है माइनिंग डिपेंड करेगी। राइट, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उस पर डिपेंड करेगी। राइट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबर कॉस्ट कैसी है, वहां पे लेबर चीप होगा तो माइनिंग जो है काफी इजी रहेगी। करेक्ट, तो ये सभी फैक्टर्स पे, भौतिक और आर्थिक कारक पे डिपेंड करती है आपकी माइनिंग, खनन। हाँ जी, डेयरी फार्मिंग भी आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, क्योंकि तो उसमें आप क्या क्या करते हैं, उसमें कैटल ब्रीडिंग भी होती है ना, आपका मिल्च भी होता है उसके अंदर, आप बेसिकली डेयरी प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल, राइट, सेल भी करते हैं। हाँ जी, अभी क्लासेस आपकी चल रही है बट अब खत्म हो गई है। चलिए, ये थे आज हमने चैप्टर्स करने गए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, चार चैप्टर्स बचे हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं आपके कल और परसों, अगर हमें मौका मिलेगा तो, अदरवाइज कल हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको ये देखो एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ाया है। आप जैसे रोशनी है, रोशनी आप चले गए हो या हो, तो वो बताएंगे क्या हमने एग्रीकल्चर चैप्टर जो है पढ़ा है पहले या नहीं पढ़ा है, क्योंकि जैसे पीएसएम हो गए, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आप बताओ पढ़ा था ना ये सारा, प्लांटेशन हमने पढ़ा था, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ये तापमान के साथ कौन सी फसलें हैं उगाई जाती हैं ये पढ़ा है। तो इसीलिए पिछली बैक क्लासेस जो है उसको भी रिवाइज करने की बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक रिविजन में आपको जो है करवा रही हूँ, इसलिए अगर आपको लगे मेरी स्पीड फास्ट है या मैंने कंटेंट जो है नहीं करवाया, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट थोड़ा सा रिपीटेटिव है और ये आपने पढ़ा हुआ है और ये बेसिक बेसिक चीजें जो है इसमें लिखी गई है,
तो मैं आपको वही समझाना यहाँ पे चाहती हूँ, ठीक है? पढ़ा है ना? बिल्कुल सही है। तो इसीलिए अपना जितना भी बैक में आपके टॉपिक जा चुके हैं, बैक के चैप्टर्स हैं, क्लासेस हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिविजन हो गया हमारा, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसके बाद उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? तीनों चैप्टर की पीडीएफ हम आपको पोस्ट कर दूंगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी पोस्ट कर दूंगी। कल हम मिलेंगे इसी समय पे, और और आपका टेस्ट की जगह पे मैं थ्योरी सेशन जो है कल लूंगी। सो अपना ध्यान रखिएगा, और ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी थोड़ा काम कीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे कल सेम टाइम 10:30। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और आपने इतना पेशेंस दिखाया, क्लास थोड़ी लंबी थी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं कल इसी समय पे, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निर्माण आईएएस। थैंक यू सो मच।